तो गाड़ी है टाटा का आरिया, और ये 2010-11 मॉडल है। तो इसका हमें कुछ इशू आ रहा है, चेक लाइट आ रहा है इंजन चालू होने के बाद। तो उसको हमें स्कैन प्लस एक्स से स्कैन करेंगे, फॉल्ट देखेंगे क्या है। इसका जो कनेक्टर का लोकेशन है आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसमें हमारा लाइन आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसका इग्निशन ऑन करके रखा है मैंने, अब आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो अभी इग्निशन ऑन करने पे ये सारी लाइटें आ रही है, फिर इग्निशन ऑफ करिए, ऑन किया मैंने, अब इसको स्टार्ट करके देखिए। देखिए चेक लाइट आ रहा है, तो ये जो चेक लाइट है वो क्यों आ रहा है उसको हम स्कैन प्लस एक्स से पता करते हैं। तो उसको स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपने स्कैनर कनेक्ट करना है स्कैन प्लस एक्स, उसके बाद स्कैन प्लस एक्स ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको लोकल डायग्नोसिस में जाना है, फिर एसीएन में जाना है, सबसे नीचे आपको टाटा इंडियन मिलेगा यहाँ पे, वो क्लिक करना है उसको, फिर उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको व्हीकल सिलेक्शन, इमलाइजर फंक्शन, ओल्ड मेनू आएगा, तो हम आपको एक बार यहाँ से स्विच ऑफ करके और फिर स्विच ऑन कर लेना है। ये हमारा स्विच ऑन हो गया, अब इसके बाद हम इसको स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले व्हीकल सिलेक्शन में जाना है, उसके बाद ये यूटिलिटी व्हीकल है, तो यूटिलिटी व्हीकल में आपको यहाँ आएगा, आरिया में जाएंगे, डोमेस्टिक है, RHD डीजल इंजन, और ये आपको 4x2 लीजर। ओके करेंगे, यहाँ पे पहला ही सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से हम हेल्थ रिपोर्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको सिस्टम सिलेक्शन में जाके 1x1 चेक करेंगे, बट हमें इसका हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या इशू है। तो हेल्थ रिपोर्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्कैनिंग करना, और यहाँ पे 100% होगा, तो आपका एक फॉल्ट का पूरा एक हिस्ट्री आ जाएगा, पूरा दिखेगा कि आपको कहाँ पे क्या फॉल्ट है, कहाँ पे सही है, कोई चीज़ में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, और पूरा आपको स्कैनिंग करके फॉल्ट देगा ये। तो अभी देख सकते हैं जो भी हमारा रेड कलर का दिख रहा है वो सब फॉल्ट है, उसमें हो सकता है टेम्प्रोरी फॉल्ट हो या परमानेंट फॉल्ट हो, वो डिपेंड करता है हमें देखने के बाद। अभी देखिए इसमें जो भी फॉल्ट आ रहा है EMS में वो टेम्प्रोरी बता रहा है सब। इसके बाद ये ABS का एक आ रहा है, वो भी आपका मेमोराइज्ड है, ये सब मेमोराइज्ड में आ रहा है, कोई ऐसा करंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले इसका रिपोर्ट बना लेते हैं, ताकि अगर हमें कस्टमर को शो ऑफ करना है कि आपके गाड़ी में क्या फॉल्ट था, उसके लिए आप ये फॉल्ट सेव कर सकते हैं रिपोर्ट बना के। यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे वापस से ओके करके और ये सेव कर लेते हैं फॉल्ट। और ये फॉल्ट रिपोर्ट आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शॉप इन्फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पे गाड़ी का इन्फॉर्मेशन, इसके बाद ये किस सिस्टम में क्या फॉल्ट है, उस तरीके से आपको यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाएगा, जिससे आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या क्या इशू है। अब हम बैक जाते हैं और सारे फॉल्ट को एक ही बार में क्लियर करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर DTC का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किए और इस पर क्लिक करते हैं। तो हमारा सारा फॉल्ट क्लियर होगा, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट आता है, और उसको जो फॉल्ट आने के बाद जो टेम्प्रोरी फॉल्ट रहेगा वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम वाला फॉल्ट है तो वापस से दोबारा फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सारा फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वापस से आप रिपोर्ट में जाएंगे और क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे और सेव करेंगे, तो सब कुछ आपको नॉर्मल दिखाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके देखिए द फ्लोइंग सिस्टम सर ओके, और देखिए सारे ग्रीन है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट है टेम्प्रोरी था वो चला गया। और आप यहाँ पे देखिए जो चेक लाइट आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। अब इग्निशन ऑन करके एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, देखते हैं कि हमारी लाइटें जो आ रही थी ये चेक इंजन लाइट, वो बंद हुआ कि नहीं। देखिए ये सारी लाइटें बंद हो गई है, सिर्फ हमारे एक सीट बेल्ट का लाइट आ रहा है और पार्किंग ब्रेक लगा हुआ उसका। तो इस तरीके से आप टाटा का जो आरिया गाड़ी है उसका स्कैन करके फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो चेक लाइट आ रहा है टेम्प्रोरी का चेक लाइट, जो क्योंकि इसका इंजन का काम हो जाएगा जिस वजह से चेक लाइट आ रहा है, ठीक है। तो चेक लाइट अब रिमूव हो चुका है फाइनली, तो आप स्कैन प्लस एक्स का यूज़ करते हुए इस तरीके से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।